अपने दफ्तर से चलाएंगे है ना, अपने दफ्तर में सड़क में खड़ी करेंगे गाड़ियां, ये तो अपने गाड़ियों को करो, पुलिस के स्टाफ की गाड़ी है, पुलिस वालों की कर दिया, कर दिया पुलिस वालों की, करो सबकी करो, स्टाफ वालों की भी चलान कटे सारे कट के सबको दो, वो भी एड्रेस करें हम नहीं करेंगे। शहर के मिनी सचिवालय परिसर पर खड़ी गाड़ियों के ट्रैफिक पुलिस सोलन ने धड़ाधड़ चलान कर दिए। परिसर में खड़ी निजी गाड़ियों के चलान की भनक जैसे ही कर्मचारियों को लगी, उन्होंने विरोध शुरू कर दिया, लेकिन पुलिस ने किसी की एक न सुनी, बस इतना कहा ऊपर से ऑर्डर है। मामला बढ़ता देख खुद ट्रैफिक इंचार्ज को मौके पर पहुंचना पड़ा। इसी बीच जो भी गाड़ी दोपहिया वाहन सामने दिखे, एक एक करके सभी पर चिट्ठी लटका दी। मजेदार बात यह है कि इसमें मिनी सचिवालय के कर्मचारियों के अलावा पुलिस कर्मचारियों की निजी गाड़ियां भी शामिल थी। वाहन मालिकों का कहना है कि यह सरासर गलत है, यहां इस बारे में ना तो कोई चेतावनी बोर्ड लगा है और ना ही कोई नोटिफिकेशन जारी हुई है। उधर ट्रैफिक इंचार्ज राकेश गुलेरिया का कहना है कि मिनी सचिवालय में अलग से पार्किंग है, लेकिन वहां कोई भी गाड़ी पार्क नहीं करता, लेकिन जब कोई ऑफिसर आता है तो उसे गाड़ी लगाने की जगह नहीं मिलती, इसी के चलते परिसर में खड़ी गाड़ियों के चालान काटे गए। जैसे आज अपने डीसी ऑफिस की पार्किंग में सारे वाहनों के चालान किए गए हैं, ये क्या सर कोई गाइडलाइन थी इसमें या तो क्या है, कैसा है? ये देखने में आया था, काफ़ी दिनों से ये सुनने में आ रहा था कि हमारे न्यू डीसी ऑफिस के जो ऊपर जो वहाँ पे गाड़ियाँ ऑफिसर्स की गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, तो यहाँ पे प्राइवेट गाड़ियाँ काफ़ी मात्रा में खड़ी रहती थी, जिससे सरकारी वाहनों के अफसरों की गाड़ियाँ आती थी, अन्य कोई और किसी शिमला से सचिवालय से गाड़ी आती थी, उनको जगह नहीं मिलती थी। तो हमें काफ़ी दिनों से ये चीज़ सुनने को आ रही थी, तो आज हम यहाँ पे आए थे सभी, तो देखा यहाँ पे सभी प्राइवेट गाड़ियाँ बहुत खड़ी थी, तो जिससे जो है सरकारी गाड़ियों के लिए जगह नहीं मिल रही थी, काफ़ी मोटरसाइकिल खड़े थे, जिस कारण से जो है हमें कई डीसी ऑफिस के लोग हमने बुलाए भी, उनको बुला के हमने चेक की कि आप नीचे जो पार्किंग है इस डीसी ऑफिस के नीचे जो पार्किंग है वहाँ गाड़ियाँ लगाएं अपनी, ताकि जो है आने जाने जो थोड़ी देर के लिए आदमी आता है वो आए और जाए, ताकि किसी को सरकारी गाड़ियां जो खड़ी होती हैं यहाँ पे अफसरों की गाड़ियां खड़ी होती हैं, उनको कोई दिक्कत पैदा ना हो, परेशानी ना हो। इसमें देखा गया है कि मैक्सिमम जो है वो डीसी ऑफिस के एम्प्लॉयज है जिनकी गाड़ियां यहाँ पे लगी हुई थी, लेकिन वो विरोध भी कर रहे थे इस चीज़ का। ये सुनने में भी आया है मुझे, मैं अभी आया हूँ कि मुझे सुनने की कुछ डीसी ऑफिस के कर्मचारी इसके बारे में विरोध कर रहे थे, लेकिन मुझे नहीं, वो डीसी ऑफिस के लोग थे या फिर कोई और लोग थे, मैं नहीं कह सकता इसके बारे में। दिव्य हिमाचल वेब टीवी के लिए सोलन से जय ठाकुर के साथ सुरेंद्र ममटा की रिपोर्ट। यदि आप गहनों के शौकीन हैं और खरीदारी की सोच रही हैं, तो अवश्य आएं भूषण ज्वेलर्स। सोलन के भूषण ज्वेलर्स आपके लिए लाए हैं पारंपरिक एवं आधुनिक आभूषण का बेजोड़ खजाना, वो भी बेहद किफायती दामों पर। भूषण ज्वेलर्स आभूषणों की दुनिया का वो नाम है जो कम ही समय में नामी आभूषण निर्माताओं में शुमार हो गया है। भूषण ज्वेलर्स सोलन कर एमडी विनय गुप्ता का कहना है कि शादी विवाह के आभूषणों की खरीद व किटी अकाउंट खोलने पर ग्राहकों को सुनिश्चित उपहार दिए जाते हैं। उन्होंने बताया कि त्योहार के सीजन में ग्राहकों को एक इयॉन 5 स्कूटी व डेरो इनाम दिए गए। डायमंड की खरीद पर 40% की छूट दी जा रही है, तो देर किस बात की, अपनी सुंदरता को चार चांद लगाने के लिए चले आए भूषण ज्वेलर्स सोलन। दिस न्यूज इज ब्रॉट टू यू बाय भूषण ज्वेलर्स सोलन।